गुड मॉर्निंग बच्चों, इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर थर्ड और जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और बच्चों ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पहले कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको क्लास 10th की सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3। और बच्चों इस एक्सरसाइज से हमारा एक नया कंसेप्ट स्टार्ट होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, अभी पिछली दो एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड सीखे और बच्चों जो है ये सीखा कि हम किस तरीके से रेशियो कोफिशियंट के रेशियो के थ्रू ये पता लगा लेंगे कि हमारा इसका सोल्यूशन होगा नहीं होगा या इनफाइनाइट होगा। अब बच्चों यहां से हमारा आएगा एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये नया मेथड है और अधिकतर इसी मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल से कम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड है हमारा, वो है बच्चों हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आता है हमारा इलिमिनेशन मेथड, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों फिर इसके बाद आता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये बच्चों हमारे तीन मेथड हैं जो हम कॉन्टिन्यूसली जो है तीन एक्सरसाइज में करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में ये है, 3.4 में ये है, 3.5 में ये है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इस एक्सरसाइज पे जिसपे ये एक्सरसाइज हमारी पूरी बेस है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बच्चों इस मेथड में? इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, तो बच्चों एक वेरिएबल का जो है हम जो है दूसरे वेरिएबल के टर्म में वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, किताब की ही आपका एग्जांपल ले रहा हूँ। बच्चों देखिए हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, एक्स माइनस ठीक है 7y + 42 = 0, ऐसे एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है बच्चों x - 3t = 6, ऐसे बच्चों हमारे पास जो है x - 3y = 6। इस तरीके से हमको जो है दो इक्वेशन दे रखी है और इसको बच्चों हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसको 1 डाल लीजिए और इसको 2 डाल लीजिए। अब बच्चों इस इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 6 + 3y, ऐसे आ गई। अब बच्चों ये x की वैल्यू y के टर्म में आ गई और कांस्टेंट के टर्म में आ गई। अब बच्चों इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो बच्चों यहां लिख लीजिए ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक नंबर इक्वेशन में हम रखेंगे, तो देखिए क्या होता है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x - 7y + 42 = 0। इस तरीके से है बच्चों। अब देखिए हमने यहां पर पुट कर दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है 6 + 3y, तो हम यहां लिखेंगे 6 + 3y - 7y + 42 = 0। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसमें यहां जोड़ेंगे तो ये हमारा हो रहा है 49। ठीक है, देखिए कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 49। तो बच्चों हमने इसको यहां पर लिख दिया इस तरीके से, ये हमारा हो गया, इसको जोड़ेंगे तो
तो हमारा 48 सॉरी ये हमारा रहा 48, तो ये देखिए ये आ गया माइनस 4y प्लस 48, मैं 49 बोल गया पता नहीं क्यों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये आ गया इस तरीके से, तो देखिए इसको क्या करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे 4y इक्वल टू 48 हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई बच्चों 12। देखिए हमारे पास इस तरीके से निकल आया। अब बच्चों y की ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो बच्चों जब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए ये क्या है, x इक्वल टू 6 प्लस 3y, और बच्चों क्या हुआ कि हमने जो है यहां पर जो है y की ये वैल्यू जो मिली इसको यहां सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ 6 प्लस 3 इंटू 12, तो बच्चों आ गया 6 प्लस 36 है और बच्चों ये आ गई वैल्यू 42। तो देखिए क्या हुआ, x की वैल्यू आई 42 और y की वैल्यू आ गई बच्चों 12। ये हो गया बच्चों इस इक्वेशन का सोल्यूशन, और यही मेथड जो है वो कहलाता है सब्सटीट्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशन होती है, एक किसी इक्वेशन से एक वेरिएबल का जो है वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म में, और उसको जो है पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फिर बच्चों सॉल्व करते हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में मिल जाती है, उसको जो है बच्चों इसमें पुट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो हमको जो है दोनों वेरिएबल्स की जो है मिल जाती है वैल्यू, और बच्चों इसी को कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, क्योंकि इसमें हम जो है वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल करके उसको दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और फाइनल आंसर हमको मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 3.3 का पहला जो है क्वेश्चन वो क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। ये हमको यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 जो है लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसका सेक्शन फर्स्ट है वो है x प्लस वाई इजक्वल टू 14 और ये है x माइनस वाई इजक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। इसको हम 1 डालते हैं और इसको डालते हैं 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस वाई। अब बच्चों इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ऑन सब्सटीट्यूशन, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पे रखने पे क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो बच्चों ये आ गया 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, देखिए इसको इधर लिया है तो आ गया 2y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू हो गया 5, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पे क्या आएगा, y की ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो बच्चों ये आ गया x प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ठीक है, 4 प्लस y की वैल्यू 5 है, तो बच्चों हम इसको यहां रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका जो सोल्यूशन आया वह x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये बच्चों इसका हो गया सोल्यूशन और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम जो है करते हैं इसका जो है सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है ये देखिए आप, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये वाला है, ये है s माइनस t बराबर 3 और बच्चों ये है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इस तरीके से बच्चों ये है। अब बच्चों हम इसमें जो है यहां से बच्चों हम s की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए क्या होगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ठीक है, देखिए क्या है 3 प्लस टी, प्लस ऐसे बनाया टी, ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। अब s की ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो देखिए s की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एलसीएम लेंगे तो
तो इसका एलसीएम आएगा 6। अब बच्चों आ जाएगा 2 3 + t प्लस बच्चों आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। यानी देखिए क्या आ जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 + 2t + 3t बराबर 6 × 6। ऐसे आ गया बच्चों, ये देखिए हो जा रहा है 5t और 6 बराबर 36। अब यहां से आ रहा है 5t इज इक्वल टू 30, यानी t की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 6। अब t की ये वैल्यू बच्चों हम यहां रखेंगे इस तरीके से, तो बच्चों s बराबर है 3 + t और बच्चों 3 + 6 और बच्चों ये आ गया इस तरीके से 9 s। तो बच्चों हमारा इसका सोल्यूशन आ रहा है s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये बच्चों इसका सोल्यूशन हो गया, इसको आप कर लीजिए नोट। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है, थर्ड पार्ट है ये वाला 3x - y = 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, यहां से हम y निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू आ रही है 3x - 3। ठीक है, ये हमारा पहला जो है इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, यहां दोनों तरफ 3 कॉमन लेकर के हम कर देंगे तो आ गया 3x - y = 3। ठीक है, 3x = y - 3। तो बच्चों यहां पे देखिए क्या हुआ, y = यहां भी आ रहा है 3x - 3, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि इसको पुट करें तो दोनों तरफ यहां पे इस तरीके से ऐसा आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि x की कोई भी वैल्यू रखें बच्चों हमारा जो है सेम रिजल्ट आएगा। और बच्चों यहां पर बच्चों कुछ नहीं आएगा, यहां पे आएगा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों, देखिए बच्चों यहां पर हमें ये मिला, अब x की वैल्यू यहां कुछ भी रख दीजिए, y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी, दोनों से यही मिल रहा है हमको। तो बच्चों ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, इसका जो है कोई भी रिजल्ट एक नहीं निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जो है हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट वो कोने में लिखा हुआ है, वो है बच्चों 0.2x + 0.3y = 1.3 और फिर है बच्चों 0.4x + 0.5y = 2.3। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा और कुछ यहां पर नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करें, या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें और उसको हम कर दें सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाले से हम निकालते हैं x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहां से निकालते हैं तो क्या 0.2x = 1.3 - 0.3y ऐसे आ गया बच्चों। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन से ये निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 0.2x इन इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन में रखने पे क्या आता है, देखिए दूसरा इक्वेशन उतारिए, ये हो गया बट्टो 0.4x + 0.5y = 2.3 ऐसे हो गया। अब देखिए बच्चों यहां क्या करेंगे, यहां करेंगे 2 × 0.2x ऐसे लिख सकते हैं इसको +0.5y = 2.3। अब बच्चों 0.2 की वैल्यू ये निकली, इसको हम यहां रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 1.3 - 0.3y ऐसे आ गया +0.5 = 2.3 देखिए आ गया इस तरीके से। अब बच्चों हम इसको कैलकुलेशन करेंगे में हमारा जो आएगा वो हमको जो है रिजल्ट निकाल के देगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया 2.6 - 0.6y + 0.5y = 2.3 देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है,
अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यार माइनस जीरो पॉइंट वन वाई इज इक्वल टू, ये इधर जा रहा है बच्चों, देखिए इसको इधर ले जाएंगे आएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री, ऐसे आ गया बच्चों। और बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट गया, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री। अब वाई की ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है, वाई इज इक्वल टू थ्री आया। तो देखिए क्या आया, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। ये वाली इक्वेशन हमने यहां रखी, y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1.3, ठीक है, माइनस 0.3 इंटू 0.3, ऐसे आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, नहीं सॉरी 0.3 ये आ रहा है 3 है, 3 लिखेंगे वाले, तो आ गया 3। तो आया बच्चों 1.3 माइनस 0.9, तो बच्चों आ गया ये हमारा 0.4। तो 0.2x इक्वल टू आया हमारे पास 0.4, यानी कि x इक्वल टू आ गया 2। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू बच्चों आया है 3। ये बच्चों इसका आंसर है, इसको आप कर लीजिए नोट, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा जो है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इसका जो है फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, हम उसको सॉल्व करते हैं। करना ऐसे ही है सारे क्वेश्चन, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, वो होनी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन ये वाला है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, और बच्चों दूसरा है रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बच्चों आप जो है इस तरीके से इधर कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री एक्स बराबर रूट एट वाई, ऐसे हो गया, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 8/3 रूट वाई, ऐसे आ गया। अब बच्चों एक्स की ये वैल्यू हमारी यहां रख दीजिए, ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें रखा, तो रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, ठीक है, और बच्चों ये है जीरो, इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो रूट टू इंटू रूट एट बाई थ्री वाई प्लस रूट थ्री, ऐसे आ गया वाई, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों देखिए कुछ आएगा हमारा, ये आ जाएगा रूट 16/3 प्लस रूट थ्री, ऐसे आ गया, और इंटू वाई बराबर जीरो, यहां से देखिए आ रहा है वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इधर कुछ भी हो ये बच्चों कुछ नंबर होगा, ठीक है, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये वाई इक्वल टू जीरो आ गया। अब बच्चों वाई इक्वल टू जीरो हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, रूट थ्री एक्स बराबर रूट एट वाई, वाई की वैल्यू जीरो है, तो बच्चों हो जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू जीरो रह गया। तो बच्चों इसका आंसर है x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, ये बच्चों इस तरीके से इसका हो गया आंसर, इसको कर लीजिए आप, ठीक है। अब बच्चों बचा इसका लास्ट और छठा सेक्शन, इसको देख लीजिए, ये भी ऐसे ही होगा, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेशन को समझ के कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन को समझ के कीजिएगा, संभल के कीजिएगा, वहीं पे गलती आती है। तो क्वेश्चन क्या है, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, चलिए पहले इस इक्वेशन को हल्का कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, इसमें हमारा ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा 6 एलसीएम हो गया, और बच्चों ये हो जाएगा 9x माइनस, और बच्चों ये हो गया हमारे पास 10y इज इक्वल टू 2, और यानी हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ये दूसरा इक्वेशन याद रखा है, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13/6, ऐसे दे रखा हमको, ठीक है। अब बच्चों इसको करें कैसे, कौन सा मेथड अपनाएं कि आराम से हो जाए, तो
ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें भी यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो क्या सिक्स तो आ गया बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। यार सिक्स से सिक्स कट गया तो बच्चों आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सिंपल सा ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा यहाँ पे माइनस लिखा है, उधर से दिखा नहीं, तो बच्चों यहाँ माइनस टू लिख दीजिए, माइनस टू ये हो गया माइनस टू, ये हो गया माइनस ट्वेल्व, इस तरीके से बच्चों हमारा आ रहा है। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारी बन गई दूसरी। अब बच्चों इसको हमने सिंप्लीफाई करके रख लिया, अब बच्चों इसको और इसको बच्चों हम सिर्फ रखते हैं, बाकी मिटा देते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास इस तरीके से ये बचा, ठीक, दो इक्वेशन बची ये और ये, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ये आ गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, और ये आया है बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक। ये हमारे पास दो इक्वेशन इस तरीके से आई। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू यहां से निकालते हैं, इसको हमने नंबर वन डाल लिया, इसको नंबर टू डाल लिया, यहां से बच्चों हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ऐसे आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसको यहां पर लिखेंगे, ये हो गया बच्चों 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आ गया, तो बच्चों यहां होगा 9 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आया, ठीक है। बच्चों इसको सिंपल तरीके से अब केवल कैलकुलेट करना, हमारा आंसर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, दो को इधर गुणा करके इधर कर लेंगे, तो आ गया 9 इंटू 13 माइनस 9 इंटू 3y, ठीक है, माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आ रहा है इस तरीके से, देख लीजिए बहुत आराम से आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये आएगा 117, ये आ गया बच्चों 27y, और ये आ गया 20y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आ गया हमारे पास 47y माइनस का इज इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 117, ठीक, देख लीजिए इसको। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ गया 7 × 11 = 1 = 3 = 21, ये आ गया बच्चों सिंपल सा हमारा 141 आ रहा है ये, ठीक है, माइनस 141 माइनस 47y, ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से आ रहा है। अब बच्चों यहां से निकल के आएगा, वो निकल के आएगा y इज इक्वल टू 141/47, तो y इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ गया। अब बच्चों y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इस वाले में, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या आया हमारा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो बच्चों आ गया 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, बच्चों आ गया 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों यहां से आया 4/2 एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। बच्चों इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, गलती होने के चांसेस हैं, मत कीजिएगा। तो यह आया एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, ये बच्चों इसका आंसर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे और दूसरा क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं, सिंपली कैलकुलेशन होते हैं, उसको आप सही तरीके से करेंगे तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3 इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो बच्चों हमको क्या करना है, पहले ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11,
और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये है बच्चों। तो बच्चों देखिए हम इसको डाल लेते हैं इक्वेशन वन, ये हो गया बच्चों इक्वेशन टू। हम यहां से 2x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x की वैल्यू आ रही है बच्चों इधर ही आ जाएगा, तो आ जाएगा 4y माइनस 24। ठीक है, अब बच्चों इसकी वैल्यू हम इसमें रखते हैं, तो देख लीजिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन वन, वन इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन वन क्या है, वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x हमारा क्या है, ये है 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, ऐसे है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा 7y इक्वल टू 35, यानी y की वैल्यू हो गई सिंपल सी 5। ठीक है, ये देखिए y की वैल्यू आ गई। अब बच्चों y की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा है 2x इक्वल टू 4y माइनस 24, ऐसे है। तो 4 इंटू वैल्यू आई है देखिए 5, तो हमने लिखा 5 माइनस 24, तो ये आ गया बच्चों 20 माइनस 24, 2x इक्वल टू ये आ गया माइनस 4, 2x इक्वल टू तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 2। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारी वैल्यू जो आई x की वो आई माइनस 2 और y की जो आई वो आई 5। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा आधा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक और सेक्शन है कि हमको वैल्यू m की निकालनी है, जहां पर y इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है, तो m की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहां लिखिए y इक्वल टू mx प्लस 3, ऐसे लिखा, y की वैल्यू है 5। ठीक है, बराबर m को निकालना है हमें, और ये हो गया माइनस 2, इधर लिखा प्लस 3। ठीक है, तो बच्चों क्या वो माइनस 2 m इक्वल टू आ रहा है 2, यानी कि m इक्वल टू हो गया माइनस 1। ये बच्चों इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसका कंप्लीट आंसर होगा x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू माइनस 1। ये बच्चों हमारा इस तरीके से इसका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमारे टोटल 6 सेक्शन है, यानी उसमें 6 अलग अलग जो है सवाल है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा तीसरे क्वेश्चन का जो है पहला और दूसरा सेक्शन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इस एक्सरसाइज का। और बच्चों इस जो है क्वेश्चन के टोटल 6 डिफरेंट पार्ट है, जिसमें से मैंने आपके सामने अभी 2 लिखे हैं, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसके वाले भी क्वेश्चन में लिख के सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों यहां पर हमको कुछ कंडीशन दे रखी है, उस पे हमारा जो है कोई इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है, और मेथड हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्या हुआ। क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है बच्चों, तो दो नंबर दे रखे हैं, तो बच्चों दो नंबर हमने सपोज किया, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बच्चों 26 है। चलिए आ गया इस तरीके से। फिर क्या रखा है कि हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है, तो ये जो है फर्स्ट नंबर वो है 3 टाइम्स द सेकंड, तो 3 टाइम्स सेकंड, ये बच्चों आ गया इस तरीके से, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक्स की ये वैल्यू ये आ गया बच्चों, देखिए इस तरीके से ये बना हमारा 1 और ये बना हमारा 2। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्स की ये वैल्यू हम यहां रखेंगे, तो ये आ गया 3y। अब हम x की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो देखिए ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो आ गया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी आ गया 2y इक्वल टू 26,
यानी y इज इक्वल टू 13, ये आंसर आ गया। अब बच्चों x निकालना है, तो हमको इसमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3y होता है, तो x की वैल्यू आ गई 3 इंटू 13, तो बच्चों हमारे पास आ गया x की वैल्यू 13 आई। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये इक्वेशन हुई हमारी, पहले तो इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ही हुई और इससे वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 39 और y की वैल्यू आ रही है 13, ये बच्चों इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है कि हमारे पास दो एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है बच्चों, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाई द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड देम। अब बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास दो एंगल है एक्स एंड वाई, हमने सपोज कर लिया, और बच्चों ये सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहां नोट कर लीजिए, ठीक है, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, इस हिसाब से ये हो गया कि x प्लस वाई ये हो गया हमारा 180। ठीक है, इसमें हमने इसको बड़ा मान लिया, इसको छोटा मान लिया। अब जो यहां पे दे रखा है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ठीक है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब इनका सम 180 है और डिफरेंस 18 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों ये पहले हमारे बन गए दोनों इक्वेशन, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू आ गई 18 प्लस वाई। अब बच्चों इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 18 प्लस वाई, और बच्चों प्लस वाई बराबर 180, तो ये हो गया बच्चों 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, देख लीजिए बड़े ध्यान से। तो बच्चों ये जो आएगा यहां पर, ये आएगा 2y इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 162, और बच्चों y की वैल्यू आ गई हमारी 81। ठीक है, y की वैल्यू बच्चों हमारे पास इस तरीके से 81 आ गई। अब बच्चों देखिए हमें बहुत आसान काम हो गया, यहाँ पे y की वैल्यू 81 है और ये बच्चों हमारे पास इतना आ गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा x माइनस जो है 81, x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू हो गई 18 प्लस 81, तो बच्चों ये एंगल हो गया हमारा 99, तो x की वैल्यू हो गई 99। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन देखिए हमारे पास ये बनी, और बच्चों क्या हुआ, एंगल x आया हमारा वो आया 99 डिग्री, और y जो आया वो आया बच्चों हमारा जो है 81 डिग्री। ये बच्चों इसका आंसर होगा, और ये इसके दो इक्वेशन होंगे जो बच्चों हमारे बन गए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा सेक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा सेक्शन बच्चों वो है हमारा ये बच्चों थर्ड सेक्शन है इस क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइस 7 bats and 6 balls फॉर रुपीज 3,800। लेटर सी बाइस 3 bats and 5 balls फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देख लीजिए कॉस्ट ऑफ बैट आप सपोज कर लीजिए कि वो है एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ बॉल वो है बच्चों हमारा वाई, ऐसे हमने सपोज किया। पहली कंडीशन है कि 7 bats 6 balls हमारी आ रही है 3800 की, यानी तो हम यहां लिखेंगे 7x प्लस जो है
सिक्स वाई इजकल टू 3800। दूसरा क्या है, 3 bat and 5 ball। तो बच्चों हमारा हो गया 3 bat and 5 ball, वो हो गया बच्चों हमारा 1750 का। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हो गया बच्चों, ये दोनों इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां से अप्लाई करना है। तो बच्चों यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x = 1750 - 5y, यानी x = 1750 - 5y डिवाइडेड बाई 3, ऐसे आ गया। अब बच्चों x की ये वैल्यू हम इक्वेशन वन में रखेंगे। तो बच्चों यहां लिखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, इस तरीके से देखिए। तो बच्चों यहां पे आ गया, वो आया 7x + 6y = 3800। ये पहला इक्वेशन है, इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या होगा, 7, ठीक है, 1750 - 5y डिवाइडेड बाई 3 + 6y = 3800, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 7 1750 - 5y, इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आ जाएगा 18y = 3800 × 3, ऐसे आ जाएगा। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12250, ठीक है, 1250 - 35y + 18y = ठीक है, यह आ जाएगा 11400। ठीक है, अब बच्चों ये आ जाएगा 12250 - 17y = 11400। बच्चों यहां से आएगा 17y = 850, यानी कि y हमको मिल जाएगा 50। ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है बच्चों, अब y की ये वैल्यू बच्चों हम यहां निकलेंगे, रख देंगे निकाल करके, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की ये वैल्यू बच्चों हम इसमें पुट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, x = 1750 - 5 × y हमारा कितना आया, 50 का डिवाइडेड बाई 3। तो बच्चों कितना हो गया, 1750 - 250 डिवाइडेड बाई 3 x, तो x की वैल्यू आ गई 1500 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 500। ठीक है, y की वैल्यू आई 50। ठीक, यानी कि कॉस्ट ऑफ बैट हमारा कितना आ रहा है, 500, ये 500 रुपीज हो गया। ठीक है, और बच्चों ये हो रहा है रुपीज 50, ये बच्चों हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, ये हमारा जो था थर्ड क्वेश्चन था, इस तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारा रहा ये बच्चों इसका जो है फोर्थ पार्ट है इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्जेस टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ₹105 एंड द जर्नी ऑफ एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उस बुक को देख के ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, दो बार रिपीट करूंगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास एक टैक्सी है, टैक्सी का जो फेयर है वो दो फॉर्म में है, एक तो बच्चों है हमारा फिक्स्ड चार्जेस के फॉर्म में, ठीक है, प्लस बच्चों जो है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इस हिसाब से जो है वो आ रहा है, बाकी टोटल बिल आता है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है इसमें, यहां पर हमको निकालना है कि फिक्स चार्जेस क्या है
और बच्चों पर किलोमीटर का जो है हमारा जो है चार्ज क्या है। ठीक, ये हमको निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी लिखी हुई है। अब देखिए यहां पे सपोज करिए, सपोज फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से देख लीजिए। तो बच्चों पहली कंडीशन में हमारा क्या दे रखा है, पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर चलते हैं तो क्या हुआ, एक्स प्लस 10y और ये आया है बच्चों 105। देखिए क्या है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस आर 105, ये आ गया। दूसरे केस में कि 15 किलोमीटर चलते हैं तो हमारा जो आता है वो आता है 155। तो बच्चों अगले बार में हम चले 15 किलोमीटर तो ये क्या, एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ गया। ठीक है, हमको इनको दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम बड़े आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए बच्चों हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आ गया 155 माइनस 15y। ये हम नंबर 1 डाल लें, ये नंबर 2 डाल लें, इस तरीके से हो गया। अब बच्चों ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। एक्स की वैल्यू जो आई है वही है 155 माइनस 15y इज, और यहां पे आ गया प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, यानी कि y इज इक्वल टू आएगा 10। ठीक है, y क्या आ गया, ये आ गया हमारा 10। अब बच्चों y की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, हमने यहां पे रख दिया इंटू 10, तो बच्चों आ गया 155 माइनस 150 और बच्चों ये आ गया 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिक्स चार्जेस कितना आया, फिक्स चार्जेस आया वो आया बच्चों रुपीज 5 और जो पर कॉस्ट चार्ज पर किलोमीटर है वो बच्चों आया रुपीज 10। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है कि क्या है हमारे पास, हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना उसको पे करना पड़ेगा, वो बच्चों करना पड़ेगा x प्लस 25y, फिक्स चार्जेस प्लस 25 किलोमीटर हो गया और चार्ज पर किलोमीटर, तो बच्चों ये आ जाएगा x है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो बच्चों आ गया 255 रुपीज 255 उसको पे करने पड़ेंगे। तो इसका फाइनल आंसर है बच्चों वो है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और बच्चों कॉस्ट हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर वो होगा बच्चों 25 रुपीज। ठीक है, इतने रुपीज हमारे पास हो जाएंगे। यहां पे इस तरीके से लिखिए इज इक्वल टू रुपीज 255। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इसके बाकी दो पार्ट, नेक्स्ट टू पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट टू पार्ट हमारे रहे ये बच्चों हमारा जो है लास्ट टू पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, आप अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, क्वेश्चन है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन ये कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज फ्रैक्शन इज, ठीक है, सपोज फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई, ये हमको दे रखा है। पहली कंडीशन में क्या कहा इन्होंने कि अगर एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम दो ऐड कर दें, देखिए टू एज एट तो ये हो जाएगा हमारा 9/11, ठीक है इस तरीके से। तो बच्चों पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2, तो बच्चों हो गया 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18, ठीक है तो आ गया 11x, ठीक है, और 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है ये इस तरीके से आ गया। इसको बच्चों हम यहां कहीं पे लिख लेते हैं, क्या क्या 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। दूसरी कंडीशन बच्चों जो इसी क्वेश्चन में हमको दे रखी है वो कंडीशन ये है, ठीक है कंडीशन ये है कि अगर हम 3 ऐड कर दें, ठीक है तो बच्चों x प्लस 3 और x प्लस 3 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाता है 5/6, ठीक है। अब फिर बच्चों यही काम करेंगे जो क्या 6 x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 y प्लस 3 ऐसे, तो बच्चों क्या 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15 ये आ गया, देखिए इस तरीके से। तो ये आ रहा है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बहुत ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका एलिमिनेशन करना है तो एक को निकाल करके उधर रख दीजिए, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं ऐसे, 6x बराबर 5y माइनस 3 आया, ये बच्चों 6x की वैल्यू आ गई, यानी x की वैल्यू आ गई 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है बच्चों। हम x की ये वैल्यू यहां रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, या बच्चों हम इसका एलसीएम लेकर के इधर कर देंगे इसको, तो आ गया 11 5y माइनस 3 माइनस, ठीक है 54 y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए बच्चों हम देखें क्या करते हैं, यह आया 55y माइनस 33 माइनस 54y बराबर माइनस 24, ये आ गया देखिए, ठीक है बच्चों। यहां से इसको करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए हो जाएगा ये हमारा y इज इक्वल टू ये बच्चों आ रहा है 9, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए y इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों यही एग्जैक्टली आएगा। अब y की वैल्यू इसमें यहां रख दीजिए 9, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर यहां पे क्या है 5y माइनस 3, तो 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 5 इंटू 9 आया है y की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, तो हो गया 45 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6, तो बच्चों x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 42/6, यानी x आ गया बच्चों हमारा 7, ठीक है बच्चों। तो देखिए x की वैल्यू आई 7 है और y की वैल्यू आई बच्चों हमारे पास 9, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 7/9, ठीक है बच्चों देख लीजिए आराम से 7/9 ये फ्रैक्शन हो गया, और बच्चों यही हो गया बच्चों इसका आंसर, इस चीज को देख लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों कंडीशन जो दी हुई थी उसके ऊपर मैंने इक्वेशन बना करके इसको कर दिया सॉल्व, ठीक। अब बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है इस तरीके से कंप्लीट हुआ है, ये इसका आंसर है, ठीक। यहां पर देखिए x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9 ये आएगा, ठीक। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो देखते हैं कि हमारा लास्ट पार्ट क्या है और वो किस तरीके से होगा, ठीक है बच्चों। लास्ट पार्ट में क्या है कि बच्चों दो लोगों की एज दी हुई है, उस पे पजल बना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या है इसमें, यहाँ पे 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर द देयर प्रेजेंट एज,
ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए सपोज करना पड़ेगा, देखिए क्या हुआ, सपोज जैकब इज, जैकब्स एज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड हिज सन एज, हिज सन एज इज इक्वल टू वाई, ऐसे हो गया, ठीक है। पहली कंडीशन है फाइव ईयर हैंस, मतलब अभी से पांच साल बाद, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव और एज होगी वाई प्लस फाइव, ऐसे हो जाएगा पांच साल बाद। तो बच्चों क्या था, जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि क्या होगा, एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस फाइव, ऐसे आ जाएगा बच्चों पांच साल बाद, ठीक है। जैकब की एज थ्री टाइम्स होगी उसकी सन की, ये सन की एज होगी, देखिए फाइव साल, पांच साल बाद जो बच्चों, ये होगी जैकब की एज, ये होगी सन की एज, और ये कंडीशन हमारी बनेगी जैसे इसमें दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा एक्स प्लस फाइव बराबर थ्री वाई प्लस फिफ्टीन, यानी यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस टेन। देखिए सिंपल सा एक इक्वेशन हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखा है फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर्स एगो बच्चों एज क्या होगी जैकब की, वो होगी एक्स माइनस फाइव और उसके सन की होगी वाई माइनस फाइव, पीछे चले गए, ठीक है। जैकब एज वॉज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज एज, अब पांच साल पहले जो है जैकब की एज होगी एक्स माइनस फाइव, तो दिया है जो जैकब एज जो है वो सेवन टाइम्स होगा, सेवन टाइम्स उसकी सन की एज का, ये हो गया बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए जाएगा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन वाई माइनस, और ये आ रहा है हमारा जो है थर्टी फाइव, ठीक है, ऐसे आ गया थर्टी फाइव। तो एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों सेवन वाई, ठीक है, माइनस थर्टी। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए, एक्स की वैल्यू ये आई है, इधर ये आई है, यानी दोनों इक्वल हैं, इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सेवन वाई माइनस थर्टी इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस टेन, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, यहां पे आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो बच्चों आ जाएगा फोर वाई इज इक्वल टू फोर्टी, यानी वाई की वैल्यू आ गई टेन, ठीक है, वाई की वैल्यू टेन आ गई। y की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो देखिए क्या हुआ, x इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन माइनस थर्टी, तो बच्चों आ रहा है सेवेंटी माइनस थर्टी, यानी x की वैल्यू आ गई फोर्टी, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैकब एज x माना है, इसकी वैल्यू आई है, तो ये हो गया बच्चों फोर्टी इयर्स, और इसको माना है ये आ गया हमारा टेन इयर्स, ये होगा बच्चों। और हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो बच्चों देखिए हमारे पास इस तरीके से बन रही, तो ये बनी है और दूसरी हमारी ये बनी, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये लास्ट सेक्शन था, और इस एक्सरसाइज का भी बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से बच्चों ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब बच्चों हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.4 में। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।